Badminton. Horse meow. Cat department. Horse meow. Cat department. Horse meow. Cat department. Horse meow. We want justice. Waiting list. Revive now. 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 नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार जो है JKSSB वेटिंग लिस्ट रिवील की बात की जा रही है कि वेटिंग लिस्ट को जो है वो जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो वेटिंग लिस्ट है वो अब खत्म कर दी गई है। मगर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए JKSSB के एस्पिरेंट्स। मगर एक चीज जानने की कोशिश करना चाहता हूं कि युवा जो देश का भविष्य है, जिसको कहा जाता है, वो हमेशा सड़कों पर ही क्यों दिखता है। इसी में यहाँ पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है और कश्मीर से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। शफी जी यहाँ पर, बोधराज जी हैं यहाँ पर, मुक्तेश योगी जी हैं। कैसे देखते हैं ये सब? नहीं जी, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोंदा जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये वो नौजवान है जो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को चलाएगा, पूरे देश को चलाएगा, लेकिन इनके साथ इंजस्टिस हो रहा है। वेटिंग लिस्ट को खत्म किया गया है। क्या ये जम्मू कश्मीर के साथ एक नया कानून नहीं है? बाकी प्रदेशों में, बाकी यूनियन टेरिटरी में, ये हर एक जगह में है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ एक अत्याचार और नौजवानों को दबाने का काम और बेरोजगारी को बढ़ाने का काम जो हमारी जम्मू कश्मीर की LG प्रशासन या केंद्र की सरकार जो कर रही है, ये आने वाले समय में बहुत गंभीर परिणाम होंगे। तो जैसे कि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो युवा है वो हमारे देश का भविष्य है, मगर वो सड़कों पर है। अपनी जैसी वेटिंग लिस्ट जो है वो यहां से खत्म कर दी गई जम्मू कश्मीर से, बाकी राज्यों की बात करें तो वहां पर अभी भी है और तीन तीन जगह वेटिंग लिस्ट एक कैंडिडेट की। तो क्या लगता है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक अड्डा बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, क्योंकि बच्चा जो फॉर्म फिल करेगा वो रेवेन्यू जनरेट का होगा, पैसा कमाया जाएगा, लेकिन वो उनके घरों पे जो चूल्हा कैसे जलेगा वो उनके माँ बाप ही जान सकते हैं, क्योंकि जगह बड़े बड़े परिवारों के बच्चे नहीं है, कोई केंद्रीय मंत्री का बच्चा नहीं है, कोई मेंबर पार्लियामेंट का बच्चा नहीं है, ये गरीब घरों के, आम घरों के बच्चे हैं। ये जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, यूटी प्रशासन या केंद्र की भाजपा की सरकार, ये इनकी मिली भगत होने की वजह से, ये उनकी साजिश है, क्योंकि हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, क्योंकि अगर इस किस्म का काम वो करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में भुखमरी का शिकार होगा, जिस तरह बाकी कुछ ऐसे एरिया हैं, जगह है अभी तक जो लोग बेरोजगार हैं। बड़े बड़े नारे देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या जो हमारी बेटियां नहीं है, जो हमारी बहने नहीं है? इस किस्म की जो साजिश है गवर्नमेंट की, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम सुनने को हमें आ रहा है कि माननीय होम मिनिस्टर साहब का दौरा है जम्मू कश्मीर के अंदर, हम कड़ा विरोध करेंगे, हमें अपनी जी जान लगा देंगे अगर हमारे नौजवानों का इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पर कश्मीर से हमारे साथ शफी जी हैं, यहाँ पर बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं। आज इन्होंने भी यहाँ पर लगातार, ये जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सनीकांत चिप जी हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, मुक्तेश योगी जी हैं। शफी जी, आप कैसे देख रहे हैं कि कश्मीर में भी हमेशा आप तो सुर्खियों में रहे हैं, आवाज को बुलंद करते हुए आते हैं युवाओं की, तो यहाँ पर ये लगातार युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, जम्मू कश्मीर के बच्चे बबर शेर के बच्चे हैं। मैं तीन चार साल से ये जंग लड़ रहा हूँ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, बाकी घर के लिए जंग नहीं लड़ रहा हूँ। ये जो आजकल गोंगी सरकार, बहरी सरकार, तानाशाही सरकार, ये किसी का फरियाद नहीं सुनते हैं। आज एक ही सुनता है, जो वो है ऊपर वाला। तीन दिन से, चार दिन से आज हमारे JKSSB वाले बच्चे हरि सिंह के पार्क के बाहर धरने पर बैठे हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। ये देशभक्त है, ये जो बच्चे हैं देशभक्त है, ये देशद्रोही नहीं है। क्या इन देशभक्तों को इंसाफ नहीं मिलेगा? शर्म आना चाहे इस सरकार को, सरकार को डूब के मरना चाहे, इस गुंडे राज सरकार को, बहरी सरकार को, इस बहरी सरकार, गूंगी सरकार को बबर शेर सबक सिखाएंगे। मैं डरता हूँ उससे जिसने मुझे पैदा किया है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना झुकने वाला, ना बिकने वाला। मैं गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूँ, अगर वो जम्मू में आज कल आए आ रहे हैं, सबसे पहले
जो जेके एसएसबी वाले बच्चे हरी सिंह के पार्क के बाहर धरने पर बैठे, पूरी तौर जो उनका जेन्युइन डिमांड है वो पूरी तौर हल करना चाहिए। अगर नहीं, बबर शेर कफन बांध के निकलेंगे। जम्मू कश्मीर के एसएसबी बच्चों को मैं जरूर इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा, यह बबर शेर का आज वादा है। मेरे साथ है नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल यूथ पार्टी का प्रेसिडेंट है, यह भी कुछ बताएंगे तो उनसे भी दो मैं आपके पास आता हूं। पहले यहां पे सनी कांत चिप जी मौजूद है, फिर मुक्तेश योगी जी, फिर उनके पास जाऊंगा। आज आप हमेशा जब भी कहीं युवा की बात होती है तो सब सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट होकर इनके समर्थन में आते हैं, क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं? ये लगातार वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं, तीन तीन जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीन तीन जगहों पर वेटिंग लिस्ट है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर बैठा है, मैं कहावत बोलना चाहता हूँ जो हमेशा हमारे जम्मू कश्मीर डुग्गर प्रदेश के अंदर बोली जाती है। एक गाना था कि अस अखनिया डोगरे बड़ी शाना करना है, लेकिन अपने बच्चे, अपने फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल अस रोड पर आंदा बड़े आरामा करना है। असें दसो कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हमारा ये फ्यूचर है तो ये फ्यूचर किसको मंजूर है? अगर यही हमारा नया जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू, नया जम्मू कश्मीर किसको मंजूर है? अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ऐसे ही आपने हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाना है तो हमें ऐसा जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए। हमें जम्मू कश्मीर वो चाहिए जिसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर हो, जिसमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सीधा हो, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ लिख के नौकरियां करें, और वो नहीं कि आप जिसको पेन और पेंसिल अपना दिलवाना चाहते हैं उनके हाथों में ड्रग्स के टीके, और जिसके माइंड एकदम फ्रेश होकर दफ्तरों के अंदर काम करने के लिए जाने चाहिए उनको स्ट्रेस के बाद एक सुसाइड करने के लिए जो है फ्लाईओवर पुल या कहीं अपनी तवी के ऊपर जाना चाहिए। ये फ्यूचर है जम्मू कश्मीर का, और हमारे होम मिनिस्टर जी कल जो दौरे पे आ रहे हैं, आइए जम्मू कश्मीर में, मोस्ट वेलकम, अटूट अंग है हिंदुस्तान का, ताज है हिंदुस्तान का। उस ताज के अंदर ऐसे नौजवान, चाहे हमारी बहनें, हमारे भाई हो, उन फ्यूचर की ऐसे दज्जियां उड़ रही हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल हमने ऐलान किया है कि कालियां पट्टियां बांध के यहाँ पे हम प्रदर्शन करेंगे अपने फ्यूचर, अपने जम्मू कश्मीर के भाई और बहनों के लिए। कालियां पट्टियां बांधकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता है और जो हमारे जेके एसएसपी के एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर। मुक्तेश योगी जी, मुक्तेश जी, क्या सवाल तो मेरे पास है नहीं, है तो बहुत मगर करना नहीं चाहता, आप भी इनके साथ ज्वाइन हुए हैं, क्या कहना चाहें? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब इट्स रियली शेमफुल फॉर अवर गवर्नमेंट, जो भी इंतजामिया इस टाइम जम्मू कश्मीर को चला रही है। आप देख सकते हैं ये कड़ाके की ठंड, जनवरी का महीना, सुबह 10 बजे तक 12 बजे तक क्या यहाँ हाल होता है, और अभी हमें एक घंटा हो गया यहाँ आए हुए। आप एक साइड, उस साइड कैमरा घुमा के देखें, आप देखिए कैसी दरियों पर ये लोग बैठे हैं, किस तरीके से इनको मजबूर करके यहाँ डेली आना पड़ रहा है। और काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि डिपार्टमेंट के लोग, भाजपा के बड़े बड़े कद्दावर सीनियर बोलते हैं मामला बहुत जेन्युइन है, बहुत खतरनाक मामला है, हल भी होना चाहिए, लेकिन हल होता नहीं है। तो मेरा, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण ना देते हुए एक ही चीज कहूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो सरकारी तंत्र तक पहुंचती है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है आप ऐसे खराब मत करिए। यहां पर ऐसे भी बच्चे बैठे हैं जिनका तीन तीन लिस्टों में नाम आया हुआ है, अब उस बच्चे में वो जान नहीं रही है कि वो दोबारा से फॉर्म फिल करे, दोबारा से तैयारी करे, दोबारा से पेपर दे। उम्र भी निकलती जा रही है, उम्र भी निकलती जा रही है। यहाँ इतना कंबरसम ये जो जेके एसएसबी का प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, आप खुद जानते हैं, दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं। तो ये सब लोग, इनके साथ और भी कई सारे परिवार, कई सारे घर जुड़े हुए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इंतजामिया से जितना जल्दी हो सके, कल हमारे माननीय आदरणीय होम मिनिस्टर साहब भी जम्मू आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि फौरी तौर पे उनके आने से पहले आज ही शाम तक कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलना चाहिए और इनके हक में निकलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जेन्युइन डिमांड के लिए सड़कों पर बैठे हैं। इनके भाजपा के नेता, सीनियर नेता, मंत्री रहे हुए, वो भी ये चीज जानते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। गलत उत्तरों के हवालों से खबर है, जो कंफर्म खबर होगी वो आपके तक जरूर साझा करेंगे। अभी तक की अपडेट आपको मैं इसी इंटरव्यू के माध्यम से, गृह मंत्री को पता चल गया जम्मू में शेर है, बबर शेर।
ये छोड़ेगा नहीं, ये याद रखना। मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। गृहमंत्री साहब, मेरा अपील है इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक जेके एसएसबी वालों को बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर एस्पिरेंट से बात करेंगे, यहाँ पर एस्पिरेंट से बात करें, ज्वाइन करें, ज्वाइन करें, आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एस्पिरेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है आपका? अंकुश। मेरा नाम अंकुश शर्मा है। अंकुश जी, क्या कहेंगे, क्या लगता था आपको कि नया साल जो आने वाला है उसमें आपको इस तरीके से धरने पे बैठना पड़ेगा? सर, हम पिछले साल भी यहीं पे इसी जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भी हम बोल रहे थे कि एटलीस्ट जब नया साल आए तब हम इस डिप्रेशन में ना नए साल में एंटर करें कि पता नहीं जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसी अनसर्टेनिटी बनी रहे। मगर बनी रही, गवर्नमेंट ने नहीं ध्यान दिया। मगर अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आलजी सर को कि प्लीज इस वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए और बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। थैंक यू। तो यहाँ पर और भी एस्पिरेंट्स हैं, इनसे बात करिए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये महाराजा हरि सिंह के पार की तस्वीरें हैं जहाँ पर तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर एसएसबी के एस्पिरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पिछले एक डेढ़ महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और नया साल जब आने वाला था साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया था कि अगर इस वेटिंग लिस्ट को रिवील नहीं किया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर 6 तारीख से बैठेंगे और 6 तारीख से लगातार यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं आप तक साझा की हैं जहां पर मोहम्मद शफी यहाँ पर कश्मीर से पहुंचे हैं, उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता, सनीकांत चिप की बात करें, मुक्तेश योगी की बात करें, बोधराज शर्मा जी की बात करें, वो इनके साथ ज्वाइन हुए हैं। यहाँ पर यूथ के प्रेसिडेंट भी हैं जो भी यहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं ये वो युवा हैं जो देश का भविष्य है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साफ तौर पर यही कहते हैं कि युवा जो है, भारत देश का जितना भी युवा है वो हमारा देश का भविष्य है। तो देश का भविष्य जो है, जब उनके पास नौकरी नहीं होगी, जब उनके पास रोजगार नहीं होगा तो वो नशे की तरफ जाता है। तो नशा ऐसा शिकंजा है जो उस युवा की पीढ़ी को खत्म कर देता है। तो इस तरीके से अगर इस वीडियो को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्र सरकार देख रही है, जम्मू कश्मीर प्रशासन देख रहा है, तो इस भविष्य को सड़कों पर मत रखिए, इनको नौकरी दीजिए, इनको रोजगार दीजिए ताकि ये अपना मुस्तकबिल और अपने भारत देश का मुस्तकबिल और अपने जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बना सके। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में इस खबर को देखकर और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।